आइए जी, अब मेकअप की तरफ। की साड़ी थी तो प्लेन, अभी हम मेकअप की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा ताकि हमें फिर कुछ सीखने का मौका मिले। ओके ओके, अब हम काली साड़ी पे आप क्या आए? अच्छा, हमने क्या क्या, एक मैट फिनिश ब्राउन कलर लिया, ये मैट फिनिश ठीक है, ठीक है ये लिया हमने, और हमने एक सॉकेट लाइन क्रिएट करनी है। ब्राउन में ना मरून सा कलर मिक्स कर दिया है, आंख को बीच में से उठाना है, साइड से नहीं। अगर हम साइड से उठाते हैं तो बहुत शार्प लगने लगते हैं। ये आज से कोई मैंने 7, 8, 9, 10 एक मिनट दिखाए जरा, क्या गलती कर। हम दुबई कब गए थे सादा? 15 से 18 साल पहले मुझे शादियां हमने सिखाया था, अगर हड्डी से ऊपर मेकअप चला जाएगा तो आप शार्प लगने लगते हैं। तो मेक श्योर करें कि हड्डी के अंदर 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 आप सेंटर में से उठाएं ताकि आपकी आंख खुली भी लगे, और यहां से आप अंदर ही रखें। ओके, और उसके बाद इसको बड़े ब्रश से उड़ा दे। और उसके बाद मर्ज हो जाए। यस, ये हमने बड़ा ब्रश लिया, उसके बाद हमने ऊपर गया तो अभी भले ऊपर भी गया तो कोई मसला नहीं, मर्ज हो गया, लेकिन अगर सॉकेट लाइन ऊपर चली जाती तो बहुत बुरे लगते। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया, ये लाइनर का ब्रश लिया, पानी लिया, और मेक श्योर करें थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा हो, क्योंकि लाइनर की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, जितना डार्क लाइनर होगा उतना प्यारा लगेगा। क्योंकि वो अक्सर आप ज्यादा लाइट लाइनर लगाते हैं तो ग्रे। उसके बाद मैंने क्या किया, सॉफ्टली सिर्फ लैश के कॉर्नर पे मैंने इतना लगाया, उसके बाद मैंने उसको सूखे ब्रश के साथ मर्ज कर दिया, है ना? ब्लेंडिंग। ओके, लेकिन लाइनर आपको वो ड्राई होने के बाद आप उसको स्मर्ज करें ना? नहीं, अगर गीले में करें तो ज्यादा अच्छा, ब्लेंडर सूख जाता है तो जम जाता है, फिर वो उतरने लगता है, पापड़ बनने लगता है, वो गिरने लगता है। आपने उसको सूखे में ही हल्का सा इस तरीके से ऊपर, और सिर्फ ये। ओके, अब ये कॉर्नर्स दे रहे हो, कॉर्नर्स वाला मेकअप हल्का सा। ओके, क्योंकि हेवी साड़ी है, अभी किरण किसी इवेंट के लिए पहन रहे हैं, वलीमा हो सकता है, शादी हो सकती है, या कोई बहुत फॉर्मल डिनर हो सकता है। ये जो ब्लेंडेड आईलाइनर होता है जो ब्लेंड कर देते हैं, वो मेरी आंख पे बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे लगता है आंख और छोटी डीप सेट आइज है आपकी ना, दैट्स व्हाई। मुझे इसलिए एक डेफिनेट लाइन जो होती है मुझे वही सूट करती है, कि लाइनर जरूर हो लेकिन डेफिनेट लाइनों में ब्लेंड नहीं करती। जैसे निदा पे मर्ज लाइनर हमेशा से सूट करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर खाली मर्ज लाइनर लगा के छोड़ देंगे ना, नहीं नहीं, उसके बाद एक लाइन आपको प्रॉब्लम देनी होती। जैसे मेरी है इस वक्त मर्ज मेकअप है, लेकिन एक लाइन जरूर देनी है। हल्का सा उसे हम आउटलाइन कहते हैं। सिंगल मैंने गोल्डन आई शेडो लगाया। अच्छा, गोल्डन आई शेडो उंगली से ही तुम लगा रहे हो, और उसके बाद यूज किया तुमने? यस। अच्छा, मेक श्योर, अच्छा ये जितने भी अभी नया पैलेट आया है सारे ये क्रीमी है, तो आप अगर इसके ऊपर डायरेक्ट पानी लगाते हैं तो ये जम जाते हैं। तो आप इसको पहले ड्राई इस तरीके से आपने लिया, आपने मैंने इसको इस तरीके से लगाया, तो सिर्फ पानी भी लगा नहीं, अब मैं बाद में हल्का सा उसी पे लगाके उसको ब्लेंड किया ताकि इसकी शाइन एनहांस हो जाए। सी बस ये पानी लगाने से शाइन एनहांस होती है। ये देखिए यार, हमें नहीं पता होती, इन लोगों को पता नहीं कैसे पता चल जाती। उसके बाद उसको दोबारा से फिर मैंने सॉकेट लाइन को ब्लेंड कर दिया ताकि पता ना चले कौन सा कलर कहाँ से शुरू है कहाँ पे खत्म है। ये ब्लेंडिंग हो गई, मतलब वाजिद का तरीका है ना मेकअप सिखाने का, वो बड़ा आसान है। उसके बाद दोबारा से मैंने लाइनर का ब्रश उठाया, और जो लोग कहते हैं कि हमसे लाइनर नहीं लग रहा है, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि वो लैश लाइन को फॉलो करें और पूरा एक साथ ना खींचे, एक्सपर्ट फॉरन नहीं होता, हमें भी 20 साल लगे करते करते। आहिस्ता आहिस्ता खींच लेंगे, सिर्फ छोटा छोटा, ओके। अब ये देखो डेफिनेट लाइनर लग रहा है, ब्लेंडिंग के बाद तुम अगर हल्का सा ब्लेंड करो और उसके ऊपर लगाओ ना लाइन तो बहुत अच्छा। मैं ट्राई करूंगी, मैंने अभी तक नहीं किया। क्या होता है उससे लगता है आपने फॉल्स आईलैशेस लगाए हुई है, ब्लेंडिंग करके आप दोबारा जब लाइनर क्रिएट करते हो तो और अगर आप कह रही है कि आपकी डीप साइड आईज है तो यहाँ पे लाइटर शेड लगाएं और फिर डार्क कॉर्नर करें थोड़ा सा लिफ्ट करके, तो बहुत प्यारा लगेगा, बड़ी लगेगी वो शोर, बहुत अच्छा लगेगा, किसी शो पे करके दिखाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसी ब्रश के साथ मैंने हल्का सा डार्क शॉकिंग पिंक कलर लिया, ठीक है, और हल्का सा इसमें मैंने ब्राउन मिक्स कर लिया, ठीक है, ऊपर देखेंगे अभी क्या करोगे, ये नीचे आइस के लिए फैला के। अब इसके दोनों कलर्स जो ऊपर से मिक्स किए थे वो आया और ये बहुत अच्छा लगेगा। ओए ये फैला दिया, ओए जख्मी और ज्यादा फैला दिया,
जितना फैला होगा उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने इस चपटे ब्रश के साथ मैंने ये कलर लिया, काही कलर का है ये, मैंने ड्राई कलर लिया। हाँ। और मैंने इसको क्या किया, एंगल मैंने सिर्फ ये रखना है ऊपर। हाँ। और सिर्फ एक लैश लाइन को, अच्छा यहाँ पे भी दे रहे हो तुम, ताकि आपकी आंख जो है बड़ी लगेगी, फ्रेश आ जाएगी, फ्रेशनेस आएगी। वाओ यार ये बड़ा मजे का कलर, वाजिद नया कोर्स करके आये हो क्या? जो आप रोज नया सीख रहे हो जी। अच्छा उसके बाद अच्छा अब हम लगाएंगे आईलैशेस, लेकिन लैश लगाने से पहले जब हम 3D आईलैशेस लगाते हैं, एक मिनट मस्कारे से पहले मैं दिखाऊं, सॉरी आप दोनों आंखें देख सकते हैं स्क्रीन पे, मस्कारा भी नहीं लगा कि आप डिफरेंस देखें कितना मजे का डिफरेंस नजर आ रहा है, आंख एक ग्लैमरस लग रही है, अभी मस्कारा भी नहीं है, लैशेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी खुली हुई आंख लग रही है एक, तो वो आपके लिए सामने है डिफरेंस, ठीक है। उसके आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर, चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियां, सबक आमेज खेल या हो मजाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल पर आहे राज देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।